So I posted these photos on Instagram. वैसे तो मैं अपनी चप्पल दिखा रही थी, but some friends asked me how do I manage to keep my feet so nice and clean, and I was like, yeah, I don't go for pedicures outside. I tend to do it at home. Hence this video. I was a little hesitant क्योंकि मुझे अपने पैर नहीं दिखाने थे. I am a little what do you say, not embarrassed, but मुझे अपने पैर इतने पसंद नहीं है. They are size 10 and I feel like they are very ugly. Hence I try to keep them as clean as I can. But yeah, so if you don't like looking at someone's गंदा feet, अगर आपको अजीब लगने वाला है तो मैं आपको अभी से बता दूँ कि मैं अपने पैर साफ़ करने वाली हूँ. It is a pedicure video, so please stop watching right now rather than leaving hate comments in the comment section. और अगर आपको सच्ची मुच्ची जानना है कि आप at home pedicure कैसे कर सकते हो या फिर मैं कैसे करती हूँ, so keep on watching. So as you can see, अब तक मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करके अपनी गंदे से नेल्स को क्लीन करना स्टार्ट किया है. बट आई डोंट जस्ट स्टॉप एट नेल. आप देख सकते हो कि मैं नेल बेड को भी क्लीन कर रही हूँ. और हाइड्रोजन पेरोक्साइड से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी डर्ट निकल जाती है. हाइड्रोजन ऑक्साइड आपको मेडिकल पे बड़ी आसानी से मिल जाता है और ये जलता वलता बिल्कुल नहीं है. आपको पता है अगर आपको कोई चोट लग जाती है और अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो एक लिक्विड डालता है जिससे बहुत फ्रॉथ निकलने लग जाता है, मतलब ऊपर ऐसे पूरा हो जाता है, बट वो जलता नहीं है. सो दिस इज़ व्हाट दे पुट. नाउ सेकेंड एंड थर्ड टाइम, बिकॉज मेरा OCD मुझे इससे आगे नहीं बढ़ने देता, तो मैं ये 3 से 4 बार करती हूँ. एंड व्हेन आई एम फाइनली लाइक completely in my sane mind and I feel like okay ये complete अच्छे से साफ़ हो गया है, is when I move on. आप देख सकते हो दोनों nail में कितना ज़्यादा difference था. So I did it to the other nail, like the whole feet, and उसके बाद I start cutting my nails. Now I like my nails short and cute. मुझे लंबे लंबे नाखून पैर के बिल्कुल नहीं पसंद है, तो मैं उनको छोटू छोटू काट देती हूँ. Now there's something wrong with my hair and nail. They keep on growing at tremendous speed. एक वीक में हर हफ्ते मेरे नाखून और बाल बढ़ जाते हैं. अपने बाल छोटे रखने के लिए मुझे every month उनको कट करवाना पड़ता है. It's such a task. हाँ, anyway, so nail cutter और filer के बीच में आगे पीछे करके I achieve the desired shape that I want. अगर ऊपर से chip हो रहे हैं तो उसको भी मैं ठीक कर देती हूँ और उसको भी filer से थोड़ा सा file कर देती हूँ so that वो और chip ना हो. मैंने ये देखा है कि जब भी मैं shoes पहनती हूँ ना, किसी भी तरीके का anything closed, मेरे nails chip हो जाते हैं. अगर open पहनती हूँ तो नहीं होते हैं. So if you are wondering कि आपके पैर के nail क्यों chip होते हैं, because आप पैर से तो बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हो kitchen में and all, so this is the reason you should try wearing open shoes जिसमें nails cover नहीं हो. So yeah, cutting them as per my desire and going back and forth. नेल्स तो मेरे कट गए और फाइल हो गए. इसके बाद हम इसको क्विकली स्क्रब करेंगे. स्क्रब करने से क्या होता है कि डेड स्किन निकल जाती है. अब अगर आप देख रहे हो तो मेरे पैरों पे जो लाइन होती है, जो फोल्ड वाली लाइंस है, पैरों पे नहीं उंगलियों पे, वो काफ़ी ब्लैकिश है. नाउ दैट इज़ नॉट टैन. तो इस स्क्रब से या क्रीम से या इस पूरे प्रोसेस से वो नहीं निकलने वाले, बिकॉज वो टैन नहीं है. मुझे विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, इसीलिए मेरे ये नकल्स जो है वो बड़े ब्लैकिश है. बट या बिसाइड्स दैट यू कैन ऑफ कोर्स ट्राई एंड स्क्रब एवरीथिंग अवे. आप अपनी जस्ट बी केयरफुल कि आप ओवर स्क्रब नहीं कर दो, बिकॉज वेन एवर आई एम स्क्रबिंग आई टेंड टू ओवर स्क्रब एंड देन उसके बाद ना मुझे बड़ी तकलीफ होती है. 1-2 दिन तक स्किन काफ़ी अब्रेसिव रहती है. देन आफ्टर वॉशिंग For I go an extra mile और मैं over clean करती हूँ with Colgate. Now Colgate से I feel के सारी चीज़ें clean तो होती है but थोड़ी सी white भी हो जाती है. Now आपके दांत और नाखून, ये मुझे लगता है, okay? there is no scientific proof of it, so I don't know, but I think कि अपने दांत और नाखून जो भी वाइट चीज़ें हैं उसको कोलगेट के अंदर का जो भी केमिकल होता है वो उसको और वाइट कर देता है और अच्छा कर देता है. प्लस ऑब्वियसली कीटाणु तो मरते ही है, बाकी चीज़ें साफ़ होती है. और ब्रश से क्या है ना, एक एक्स्ट्रा क्लीनिंग मिल जाती है मुझे ये टूथब्रश यूज़ करके. बाय द वे ये टूथब्रश मेरा सिर्फ पेडिक्योर के लिए है, इसीलिए मैं इसको अलग रखती हूँ. अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो तो इसको भी अलग अपने वॉशरूम में रखिए, अपने दांत घसने के ब्रश के साथ तो बिल्कुल मत रखिए. एंड लास्टली ऑन बेयर स्किन, मतलब बिना किसी क्रीम के या कुछ, मैं ये स्क्रबर यूज़ करती हूँ पीछे और आगे, सॉफ्ट साइड ऊपर के लिए और थोड़ा सा अब्रेसिव साइड नीचे के लिए, लाइक हील्स एंड टो एंड ऑल ऑफ दैट. सो या इसके बाद वी आर जस्ट क्विकली गोइंग टू गो वॉश एंड स्टार्ट painting our nails. Look how cute my feet look right after the treatment. So yeah, washed and done. अब हम quickly nail paint लगाएंगे. I usually go for a very basic color, मतलब red and blue and black. ये सब मैं पहले बहुत करती थी, अब नहीं करती हूँ. अब मैं normal skin tone, flesh tone वाला color लगा लेती हूँ because उससे सारी चीज़ें मतलब ओकेश, नाइस एंड नॉर्मल एंड क्यूट लगती है, बहुत ज़्यादा ओवरली कलरफुल नहीं लगता है. देखा जैसे कि मैंने कहा था मेरे नकल्स अभी भी काफ़ी ब्लैक है, दैट्स नॉट बिकॉज दे आर टैन. जब मेरा विटामिन डी का लेवल अच्छा हो जाता है ये वाला ब्लैकनेस ऑटोमेटिकली चला जाता है. एंड जैसे मेरा विटामिन डी डाउन होता है, सो दिस इज़ लाइक अ मीटर और ट्रिगर टेलिंग मी, जबीन विटामिन डी कम हो गया, जाओ डॉक्टर के पास, इंजेक्शंस ले लो. टाडा! आई विश मैंने नीचे का कपड़ा चेंज किया होता, वो मैं फेंकने वाली हूँ इसलिए मैं वही यूज़ कर रही हूँ. बट एनीवे, उसके बाद ऑब्वियसली अगर आप चाहते हो तो आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो. मॉइस्चराइज़र एक्चुअली लगाना चाहिए, अच्छी बात होती है. मैं नहीं लगा पाती हूँ बिकॉज मुझे बहुत स्वेटिंग होती है, सो इसीलिए मैं हल्का पुल्का सा थोड़ा सा लगा रही हूँ और उसके बाद इमिडिएटली जाके मैं अपने हाथ धोने वाली हूँ बिकॉज मुझे इमिडिएटली स्वेटिंग चालू हो जाती है. सो या दैट्स अबाउट इट, दैट्स माई होल पेडिक्योर रूटीन. ये मैं 2 हफ्ते में एक बार तो कर लेती हूँ और महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार मैं बाहर जाके भी पेडिक्योर करवा लेती हूँ बिकॉज़ उसमें जो मसाज मिलता है वो मुझे बहुत पसंद है. एंड थोड़ा सा प्रोफेशनल अगर 2-3 महीने में एक बार करा लें तो अच्छा ही होता है. मैं जो गलतियाँ करती होगी उसको वो लोग ठीक कर देते होंगे. So yeah, that's how my feet look. I try to wear extremely good, nice, proper sandals to ensure कि मेरे पैर अच्छे लग रहे हैं. Flats में नहीं पहनती हूँ क्योंकि आप देख सकते हो कि मेरे पैर कितने सूजे हुए लग रहे हैं. But yeah, if you liked it, let me know in the comments below and share this with your friends. और अगर आप घर पे करते हो और उसकी फ़ोटो लेते हो तो definitely मुझे tag करो on Instagram. Don't forget to like this video, subscribe to my channel and leave a definite comment below if you like my videos. Bye-bye.